यहाँ पर WWF और इंडिया रिवर वीक में आए हुए सभी अलग अलग गुट से आए हुए सभी को और आज के यहाँ जो सभा के अध्यक्षता करने वाले उनको मैं आप लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने हमको इस सम्मेलन में चंद मिनट में एक दो शब्द बोलने का अधिकार दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं झारखंड से, झारखंड के खूंटी जिला से, तोरपा प्रखंड से कोयल कारोबार जनसंगठन के अध्यक्ष के रूप में आपने हमको निमंत्रण दिया है और इस सम्मेलन में आपने हमको बोलने का मौका दिया है। यह कोयल कारोबार जल विद्युत परियोजना बहुत दिनों से चला आ रहा था। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस समय से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए कि आज हमको थोड़ा लंबा टाइम मिला, थोड़ा लंबा ही बोलेंगे हैं। तो सन 1955-56 में एक हकीकत में इसका सर्वे होना शुरू हुआ था और उस समय बिहार सरकार के बिहार राज्य जल विद्युत परियोजना के पदाधिकारी लोग के अधीन ये हुआ करता था। तो 1955-56 से शुरू हो करके पूरा इसको सर्वे को पूरा करने के लिए लगभग 20-21 साल लगा और इसका जो DPR सन 1973 में इसका पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इसके बाद बिहार सरकार के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमारे क्षेत्र में यानी कि कारो क्षेत्र में, कारो और कोयल, कोयल एक नदी का नाम है और कारो भी एक नदी का नाम है, ये दोनों नदी को मिला करके लगभग कारो से कोयल नदी लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है और कोयल नदी को बांध करके उसमें वो बड़ा ही डैम उसका बनना था जो कि वहाँ के करीब 248 गांव वहाँ के डूबने वाले थे और उस बांध को बांध करके लोहाजिमी में और एक डैम बनना था कारो नदी पर और उस तेतरा के जो बन रहा था कोयल नदी उस पानी को 34.5 किलोमीटर का नहर खोद करके लोहाजिमी वाला कारो नदी में पानी को लाना था और उस पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली पैदा करने के लिए पश्चिम सिंहभूम में इसका पावर हाउस जो कि 710 मेगावाट का पैदा होने के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन जब इतना दिन काम किया गया, सर्वे किया हुआ गया, लेकिन वहाँ के किसी भी जनता को किसी तरह का सूचना नहीं दिया गया, कितना गांव उठेगा, क्यों बनेगा, इस तरह का किसी को कोई जानकारी नहीं था। ओ और इतना लोगों को जागरूक भी नहीं था कि उनसे पूछा जाए या उनको कैसे रोका जाए, ये वहाँ के बुजुर्गों को पता नहीं था। इसलिए कोयल कारो जो जल विद्युत परियोजना वाले जो वर्कर थे, काम करने वाले थे बिजली बोर्ड में, वो लोग मनमर्जी अपना यहाँ तक कि जो खड़ा फसल था उसके ऊपर भी बिना विरोध के गाड़ी चला करके अपना काम करते थे। तो इस तरह से काम हुआ करता और लोगों का यह विश्वास था कि सरकार को कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, इस तरह का भी विश्वास था। तो और अलग अलग क्षेत्र में एक समिति बना हुआ था, कारो क्षेत्र में जन कल्याण समिति बना हुआ था और बसिया क्षेत्र में
कोयल नदी के क्षेत्र में एक संघर्ष समिति बना था। तो 1976 में संयोग से हम अपने गांव में आए और श्री स्वर्गीय मोजेस गुड़िया भी विश्वनगर में, जो कि जमशेदपुर में काम करते थे, ये दोनों फिर 1976 में मिले हम दोनों। और हम दोनों ने ये सोचा कि इसको पूर्ण बहुत बड़ा समिति बनाएंगे, गठन करेंगे। सोच करके फिर हम लोगों ने एक मीटिंग रखा, लोगों को जगह जगह जा करके उनको समझाया कि इसको एक बड़ा संगठन बनाया जाए। तो बसिया का जो संग्राम समिति था, जन संग्राम समिति और जन कल्याण समिति तब करा था, उसका हम लोगों ने एक केंद्रीय समिति की बैठकी करके कामडरा में हम लोग इसका एक कोयल कार्य जन संगठन के नाम से गठन किया। तो इस बीच में 1979-80 के लगभग में तो बिहार सरकार हमको ये वायदा किया कि आपको, आपका ज़मीन हम नहीं लेंगे जब तक कि आपको पूर्ण रूप से पुनर्वास नहीं करेंगे। और इसमें पुनर्वास का शर्त हमारा यही था कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्वास हमारा किया जाए। और जब तक हमारा सांस्कृतिक पुनर्वास, आर्थिक तो कोई कर सकता है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्वास हमारा किया जाए, उसके बाद ही हम काम करने के लिए देंगे, नहीं तो हम लोग पूरा गांव में, माने जहां भी बांध बनाना था उन क्षेत्रों में हम लोग नाकाबंदी शुरू कर दिया, जगह जगह पर बैरिकेड लगाया और कर्फ्यू लगा दिया, जनता कर्फ्यू। और ये जनता कर्फ्यू में यही आदेश था जनता का कि कोई भी कोयलकारों जल विद्युत के परियोजना के पदाधिकारी और प्रशासन के अधिकारी, जहां डैम बनना है डूब वाले क्षेत्र में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि हमारी जो मांग है उस समय पूरा नहीं होती। इस तरह से हम लोगों ने शर्त रखा। तो 1978-79 में जब ये आदेश हम कर्फ्यू जनता की तरफ से हुआ, तो रात को 12 बजे कमिश्नर साहब हमारे दक्षिण छोटे नागपुर के प्रभाकरण साहब थे, वो रात को चोरी से फिर लोहाजिमी में, जहाँ की वो कच्चा सड़क बना हुआ था रैयती सड़क पर, और वहाँ पर उनको रात ही रात वहाँ ड्रॉप कराया, पहुँचा दिया CRP और ये बिहार उस समय तो बिहार पुलिस थे और होमगार्ड वगैरह को रखा। जब सुबह हम लोगों ने देखा तो पूरा लोहाजिमी गांव में फोर्स भरा हुआ है। तो सुबह फिर हम लोग तुरंत गांव-गांव में प्रचार किए और उनको हटाने के लिए वहाँ पर एक जैन सलाब का एकत्रित किया हम लोग। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि यहाँ अशांति फैलाने के लिए फोर्स है तो इनको हटाया जाए। तो कमिश्नर साहब बोला कि शांति पैदा करना, हम बोले पहले शांति था अभी अशांति है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर ये सोचा कि अभी यहाँ का जो लोहाजिमी वाला जो इनका जो कुछ कैंप बना हुआ था, उसी कैंप में टॉयलेट था, उसी में लोग टॉयलेट करेंगे। और जंगल को काट रहे थे, जंगल को भी काटने से मना किया, और जंगल में टॉयलेट करने के लिए वहाँ उनको भी सख्त मना किया। और पानी, वहाँ का लोहाजिमी का पानी को नहीं पीना है, वहाँ से जो उनका मुख्यालय तोरपा पड़ता है 20 किलोमीटर है, वहीं से पानी लाएंगे, चूँकि यहाँ कोई हो सकता है कुआं में जहर डाल देगा तो कोई मर जाएगा तो पूरे लोग बवाल होगा। इस तरह का हम लोगों ने आदेश जारी कर दिया। और उनको पानी लाने के लिए तोरपा 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, तो बहुत वो लोग को परेशानी उठाना पड़ा। तो फिर दूसरा या तीसरा दिन अपना कैंप को छोड़ और हम लोग उनको फिर उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो ज़मीन हमारा था, जनता का था, कंपनसेशन नहीं मिला हुआ था, उसमें हम लोग मड़ुआ, एक किस्म का रोटी बनता है मड़ुआ, वो पूरा रोड में कच्चा सड़क में महिला लोगों को संगठित करके उनसे वो लोग अपना मड़ुआ लगाया और उड़द बो दिए। अभी तो उसमें क्या ना, वो लोगों का नाकेबंदी हो गया, और लौटने के टाइम में यदि उसके ऊपर वो लोग गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर फसल का नुकसान के लिए हम लोग केस कर सकते हैं। तो इसलिए ये लोग दूसरा जगह खोज कर रात ही रात को
जैसे फौज में लोग एकदम पुल बनाते हैं उसी तरह से बना करके दूसरे तरफ से भाग गए। इस तरह से वो 1979-80 के बीच में ये घटना हुआ और हम लोग मैंने बिल्कुल ही निहत्थे शांतिपूर्वक उनको हटा दिया। उसके बाद जो बिहार सरकार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बिहार जल विद्युत परियोजना के पदाधिकारी लोग थे तो वो लोग सोचा कि अभी इनका जो मांग है पूरा करना मुश्किल है, इसलिए 1980 अप्रैल महीना में एनएचपीसी को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक कॉरपोरेशन है बिजली कॉरपोरेशन उनको हैंडओवर कर दिया। तो उस समय भी काम बंद था तो उन्होंने बहुत कुछ, बिहार स्टेट के समय भी हम लोगों को प्रलोभन देने के लिए बहुत चर्चा हुआ, हमको बोले कि आप पटना जाइए आपका दो मंजिल का फ्लैट बनेगा उसके बाद पैसे जितना चाहिए उतना कीजिए। तो वहाँ मुहामुही हमने इनकार कर दिया, यहाँ के जो गरीब है लकड़ी बेच करके जो कुछ जंगल का जो संपत्ति मिलता है उसको बेच करके जीते हैं उसी तरह से हम जीवन बिताएंगे, इस तरह से उनको जवाब दे करके फिर उनके पास भी जवाब दिया। उसके बाद जो एनएचपीसी के पदाधिकारी लोग थे वही लोग भी बहुत ही प्रलोभन देने के लिए जनता को ये चॉकलेट वगैरह ले जाते थे ऐसा बड़का मीटिंग में, तो बच्चा लोग भी उसको लेने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से उनके साथ भी हम लोगों का व्यवहार वैसे ही हुआ, लेकिन मारपीट करने का हम लोगों का किसी तरह का कोई स्वभाव नहीं था, बच्चा का या कोई किसी तरह का वहाँ हिंसा का जगह नहीं था, सब अहिंसा पूर्वक हम लोग हर के साथ सब के साथ बातचीत किए, लेकिन वही बातों से हम लोग लड़े। और यही जो वही हमारी जो उन अभी इन्हें भी वादा किया एनएचपीसी लोग आपका ज़मीन नहीं लेंगे जब तक हम पुनर्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग इनको एक विश्वास देखने के लिए, जबकि ना इसके बीच में इससे पहले क्या हुआ इस बीच में फिर काम बंद हो गया और ये लोग सिर्फ हमसे बात करते थे कि आप काम करने दीजिए, आप एक कदम हमको एक कदम पीछे रहने दीजिए आप एक कदम आगे, तो इस तरह से हमको बहुत बोले कि एक बार मौका दीजिए लेकिन काम करने दीजिए, लेकिन हम लोग फिर यही कहा कि जब तक हमारा पुनर्वास नहीं होता है हम एक इंच भी जमीन देंगे नहीं, काम नहीं देंगे और काम करने भी नहीं देंगे। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने सोचा चलो तब तो ठीक है, हमको हम दो गांव देंगे, एक तो बसीय क्षेत्र में जो बिल्कुल डूब रहा है एक इंच नहीं बचता है और कारो क्षेत्र में जो एक गांव है वो एक इंच नहीं बचता है, वो हम एक नमूना के लिए देंगे और उसमें तुम सही ढंग से पुनर्वास करो और हम देखेंगे अगर हमको स्वीकार होगा तो हम लोग हटेंगे अगर नहीं तो नहीं होगा। फिर बसीय क्षेत्र में 33 गाँव को दिया और तब करा हमारे जो क्षेत्र में कोचा गांव को दिया, तो सब कुछ हम लोग भी सर्वे करने में भी मदद दिया, हर एक चीज़ का गिनती जितना भी कितना ज़मीन कितना पेड़ जाएगा कितना आदमी डूबेंगे कितना जाएंगे सब कुछ हम लोग मदद किया, लेकिन समय पर ये लोग कुछ दिखा नहीं सके। तब फिर कुछ नहीं कर से उसके बाद कुछ दिन के लिए फिर काम बंद हो गया अपने आप। तो फिर 1995 के जून महीने के लास्ट में हर चर्चा होने लगा, हर जगह जगह रेडियो में पेपर में आउट होने लगा कि 5 जुलाई 1995 को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी इसका शिलान्यास करेंगे। जब ही हम ये पता लगा तो हर जगह जगह दिन और रात लगा करके हम लोग पूरा 256 गांव वहाँ जा कर के 4-5 दिन हम लोगों ने उनको मीटिंग करके जन सैलाब को उस पर बताया क्या क्या करना है। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने संकल्प कर लिया कि कहीं भी अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर से आकर के किसी को मैदान में उतर करके इसको शिलान्यास करेगा तो वहाँ भी हम लोगों ने जो अपना जनता को वहाँ मैदान में खड़ा कर दिया जिससे हेलीकॉप्टर उतरेगा तो वहाँ हिम्मत नहीं करेगा। इस तरह से फिर ये हमारा तैयार हो गया पूरे जन स्लैब 50 से 55 हज़ार के करीब, तब क्रम में हम लोग जमा हो गए सुबह 5 जुलाई 1995 को और तब वहाँ से ये आदेश आया कि अभी नहीं यहाँ
लोहा जिमी जो हमारा पूरा गांव है उसी में बांध बनना था, मेन बांध, तो वहाँ के लिए फिर वो राव साहब आने का हिम्मत नहीं किया। तब हम लोग, फिर हम लोगों को पता लगा कि अभी तोरपा में हमारा मुख्यालय में हमारा प्रखंड मैदान में आकर के शिलान्यास करेगा। इस तरह से फिर हम लोग तापकरा से बाय रोड चलना शुरू कर दिए तोरपा तक, यानी कि वहाँ 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरे जनसला भर के गए और वहाँ भी राव साहब को आने का हिम्मत नहीं हुआ। फिर लास्ट में हमारे जो मुख्यमंत्री पूर्व के थे वो ये लालू साहब बोला कि अगर राव साहब नहीं आते तो हम उसका उद्घाटन कर शिलान्यास करेंगे, लेकिन उनको भी हिम्मत नहीं हुआ। और उस दिन फिर हमारा एक संकल्प बना, अभी हम सरकार से किसी तरह कोई मांग नहीं करेंगे, हम पुनर्वास नहीं मांगेंगे, कोई सामाजिक आर्थिक नहीं मांगेंगे। हमारा एक ही मांग है, एक है संकल्प। वो संकल्प था कि 5 जुलाई 1995 में ये हम लोगों का संकल्प था और मेमोरेंडम दिए सरकार को माध्यम वीडियो के द्वारा कि आज से कोयल कार्य जनसंगठन का किसी तरह का मांग नहीं होगा, सिर्फ एक ही मांग होगा, वो है कोयल कारो जल विद्युत परियोजना जो विनाशकारी है उसको सदा के लिए रद्द किया जाए। तो इस तरह से संकल्प बना करके हमारा जो कार्यक्रम था उस तरह से हम लोग किया और हमारा अभी भी बंद है। अभी जब से हम लोग 1979-80 से पहले बंद किए हैं और वो अभी भी बंद है। उसके बाद झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अलग होने के बाद राज्य के सरकार हमारे बाबूलाल मरांडी जी आए, मुख्यमंत्री बनाए गए और इसके रहते वो भी उस समय तक तो फिर यही कोयल कारों का चर्चा था बनने के लिए, लेकिन हम और उस समय बहुत कुछ हुआ हमारे बीच में, वो लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए व्यवसायी वर्ग को उनको उकसाया गया। उसके बाद हमारे जो एक धर्म से दूसरे धर्म के ऊपर बीच में फिर हमको समेटना शुरू कर दिया कि ये व्यवसायी लोग चाहते हैं। उस तरह से हम सो यस और नो में सिग्नेचर लिया गया हर जगह जगह, लेकिन व्यवसायी वर्ग भी इसको एग्री नहीं किया। वो भी नहीं चाहते थे क्योंकि अगर व्यवसायी तो छोटे व्यवसायी वहाँ से मारवाड़ी लोग बड़का बड़का आदमी आएंगे उनका व्यवसाय भी ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से वो लोग एग्री नहीं हुए। और जब बाबूलाल मरांडी बना तो ऐसे समय में कुछ उग्रवादी वालों का, यानी कि वो नक्सलाइट MCC वगैरह कुछ बोलते हैं, वो ये हल्ला हो गया कि लोहाजिमी तरफ हमारे गांव की तरफ वो लोग उग्रवादी लोग हैं बोल करके, वहाँ एक रनिया ब्लॉक थाना है, तो रनिया थाना वहाँ का थाना प्रभारी आर.एन. सिंह और तापकरा OP का प्रभारी था अक्षय कुमार राम और एक मजिस्ट्रेट वहीं थे। तो 1 फरवरी को लोहाजिमी गांव जाते टाइम में वो लोग बैरिकेड को साइड से पार करके गए और एक कुछ बहाना माने एक छेड़छाड़ का वो लोग बहाना बनाया पुलिस लोग, लौटते टाइम उधर से ना पार करके बैरिकेड को तोड़ करके फिर तप करा उसको उठा करके ले आए, तो हमारे कोयल कार्य जनसंगठन का मना कर दिया, तो उसको पकड़ करके बाट उड्डी से मार करके फिर तप करा ले गए। तो रात को हमको रिपोर्ट मिला कि इस तरह हमारा कोयल कार वाला को पुलिस लोग लेके गया है बिना कारण उसको मार पीटे। हमने कहा नहीं, रात के टाइम हम लोग वहाँ समझौता करने नहीं जाएंगे, इसलिए 1 तारीख रात को हम मना कर दिया और 2 तारीख सुबह थाना में हम लोग गए और वहाँ समझौता वगैरह सही में सब कुछ हो गया था कि वो लोग बोला कि हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए और ग्रामीण DSP CA SP करेंगे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। नहीं होने के पहले ही उनके समझौता से मैंने बात होने से पहले तो वहाँ एक हल्ला मच गया। आर.एन. सिंह साहब बोला ऑर्डर मिल गया फायरिंग करो सारों को, तो हम लोग उधर बैठे हुए थे एक तंबू में, तो फायरिंग शुरू हो गया, अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग टस से मस हटे नहीं,
फिर लेकिन कुछ उसी समय उसी दिन माने कि 2 फरवरी को हमारे 5-8 जवान 8 माने कार्यकर्ता लोग वहाँ मारे गए और कुछ ये हो गए, घायल हो गए। और अभी भी हम लोगों के ऊपर 11 लोगों के ऊपर उनको दमा है और हम लोग अभी हमेशा जा रहे हैं। इस तरह का इसका संक्षिप्त विवरण है। लेकिन जो हम लोगों ने जो काम किया उसका नतीजा अच्छा मिला है। हमारा जो कि 27,000 एकड़ वन भूमि के जंगल जाने वाला था वह अभी बचा हुआ है। उसके बाद खेती लायक ज़मीन 50,000 एकड़ के करीब खेती लायक ज़मीन है। 256 गांव में मिला करके लगभग इतना ज़मीन हमारा बचा हुआ है। और जो हमारा अभी कोयल का पानी, कारों का पानी अभी वो भी सुरक्षित है। और अभी भी अभी कोयल कारो बिल्कुल हमेशा के लिए बंद है। तो इस तरह के यहाँ का संक्षिप्त विवरण है। और जो कुछ हम लोगों ने झेला है उसका तो हमको एक एक चीज़ बाल बाल सब कुछ मालूम है, लेकिन हमने संक्षिप्त में इतना कह दिया है। और आखिर में फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम एक मामूली आदमी हैं और हमको इतना दिल्ली में जा कर के जो हमारी राजधानी है, और आप लोगों की मेहरबानी से आप लोगों की प्रेरणा से हमको यहाँ आने का मौका मिला। इसलिए आप सभी लोगों का मैं आप सब लोगों का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और हम गदगद हैं। इतने ही बोल करके हम अपना बोली को अंत करते हैं। धन्यवाद। हाँ कहिए। आपका कोई नारा या गीत है जो यहाँ बता सकते हैं? आपका नारे क्या है? नारा तो वैसे कई स्लोगन है, 2-3-4-5 लोग जब भी है। गीत गीत थोड़ा उसमें हमारा गुण नहीं है, लेकिन हाँ नारा है तो इसमें तो यही था, कोयल कारो सदा के लिए बंद करो बंद करो, वो भी था, वो भी हम लोग कहते थे। उसके बाद ये भी थे हम लोग, लेकिन अभी तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा नारा था, बिजली बत्ती अबू आ, बिजली बत्ती काबू आ, डिबरी बत्ती अबू आ। मतलब था कि डिबरी जो हम लोग जलाते हैं ना वो हमारा है, लेकिन ये बिजली नहीं करेंगे, नहीं जलाएंगे, इस तरह का भी है। और उसके बाद ऑबरी स्लोगन ये हमारा धानी की बोल नहीं है, 4-5 को स्लोगन है, लेकिन गाना तो हमारा ऐसा कुछ है। भाषण के लिए हमको 10 दिन लगातार बोलेंगे तो कर सकता हूँ, लेकिन गाने के लिए बोलेगा तो 1 सेकंड भी नहीं बोल सकता। उसी में एक हमारा ये है, भगवान का देन है, भाषण करने के लिए बोलेगा, कहीं से भी कोई सवाल करेगा उसके लिए हम सक्षम हैं, लेकिन गाने के लिए सक्षम नहीं है। वही हमारे में खामियां हैं। अगर वो अगर मिलता है तो हो सकता है भगवान घोषित हो जाते है कि नहीं, इसलिए भगवान कमी देता है, कुछ को कमियां देती है। एक सवाल है बेन जी का। हाँ चले। महिलाओं का योगदान ऐसा था कि महिलाओं को ऐसे कोई हथियार देकर के हम लोगों नहीं लड़वाया। महिलाओं को सबसे आगे हमारी नीति थी, रणनीति थी, रणनीति हमारा ही बनाया हुआ था। उन सब मिला जितने जो ऑफिसर वीडियो वगैरह हम लोगों को समझाने के लिए जाते थे, या तो कमिश्नर डीसी भी लोग आते थे, तो हम लोग एस क्या करके रखे थे, यहाँ तक कि SDU की एक शायद बेटी थी, पंजाबी नहीं थी, उसको भी वहाँ से कागज़ छीन लिए थे हमारे क्षेत्र में। तो उनसे जो भी क्षेत्र में जाएगा ना बिना अनुमति से उसको उससे कागज़ छीनना, और जो वहाँ वीडियोग्राफी करेगा उनको भी नहीं करने देना। और उसमें क्या था जी, जितना भी हम लोग बोले ना रोड में वहाँ पर खेती करवाया औरतों से, मैंने हल नहीं चलवाया, चूँकि हल चलाना तो मना है ना जनानी जनानियों को, तो इसके लिए कुदाली से कोद करके वहाँ और उरद बोते थे वो, और उसके साथ हथियार उनके पास था झाड़ू, झाड़ू नियत है, झाड़ू था।
और उसमें अगर उसको मारने के लिए चोट पहुंचाने के लिए नहीं मारते थे लेकिन इधर उधर से झाड़ू लगाते थे अगर मान लिया कोई गया था वहाँ, और वो एक था काम। और इसके बाद जो धान कूटते हैं ना हमारे यहाँ मुंडारी में बोलते तू को हाँ और ओखली होता है, वो वाला एक हथियार था हमारा, बाकी किसी को नुकसान पहुँचाने का हथियार नहीं था वही। और जो मनुआ लगा दिए ना अगर मान लिया इधर से वो लोग वापिस आते ना उस ज़मीन पर तो हम लोग केस करते, क्यों ये हमारा फसल बर्बादी में उसका केस बनता है। करीब करीब 5 किलोमीटर में लगाया हुआ था तो पूरा महिलाओं का अभी भी दिल्ली से भी बहुत लोग पत्रकार वगैरह जाते थे हमारे टाइम में, वो लोग भी जानते हैं मैंने तकरीबन पूरे भारत के हमारे साथ वहाँ फोटोग्राफी के लिए गए हैं और महिलाओं को भी देखे हैं लेकिन जान से मारने के लिए नहीं, लेकिन वही प्रेम के जगह में थोड़ा अपमान करने के लिए। कभी कभी गोबर से उसको पोत देते थे, ऐसा भी जो नहीं मानेगा ना तो मैंने लोग गोबर भी पोत देते थे, ऐसा हुआ था होता था वहाँ, हथियार से लड़ने के लिए नहीं बोलते थे। और अभी भी अगर आप लोग जाइएगा ना इसके नाम पर अभी औरतें पहले आएंगी, अगर आपको दुश्मन अच्छा समझेगा दुश्मन समझेगा तो इस तरह से आपका वो ये स्वागत करेगा। अगर आप सही में इनके उनको मदद के लिए आते हैं आपको तहे दिल से आपका मदद करेंगे अभी भी। धन्यवाद। और कुछ सवाल है तो इसके विषय में जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी हमारे मैं जहाँ से आई आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ उड़ीसा वहाँ के आदिवासी लोग आजकल पोलावरम एक बांध बन रहा है उसके खिलाफ वो भी काफ़ी साल से लड़ाई कर रहे हैं, पर वहाँ पे बहुत लोगों पे दबाव डाला है, पैसों का दबाव, पैसे दे के बहुत लोगों को चुप करा दिया गया है। आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये बांध ये परियोजना बंद हो गई रद्द हो गई। तो दो चीज़ पूछना था, एक आप कैसे वो दबाव से कैसे बचे रहे हैं आपके लोग, एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर आपको पोलावरम इलाके में जाना होगा वहाँ पे अभी भी लोग मतलब बांध के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, अगर वो आपको बुलाए आपने जो जो यहाँ बताया जिस तरह से आपने वो रद्द किया अगर वो चाहे तो क्या आप वहाँ पे जाएंगे, ये दो चीज़ पूछना था आपसे। अगर जाने के लिए हमारे में समर्थ होगा ना क्योंकि हम बूढ़ा हो गए जैसे हाँ 1900 हमारा उम्र मालूम है एक्चुअल उम्र हमारा 77 वर्ष रनिंग 77 वर्ष रनिंग है, लेकिन अगर बुलाएंगे तो हम 77 वर्ष के जगह पे 80 में भी जा सकते हैं। वो हमारे में है स्टेमिना है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाले की मेहरबानी से अभी भी दबाव से कैसे बचे हैं वो पूछना था, आपके लोग दबाव से कैसे किस अच्छा, तरह से लड़ रहे हैं। एक तो हम ये सही हम बोल रहे हैं अगर कहीं हम बहुत लोगों को यही बोले अगर आप कोई नेता बनते हैं या बनाए हैं तो जैसे आदिवासी मूलवासी का वो लोग हमसे पूछने के लिए गए तो किसको नेता बनाएंगे, हम उनको बोले कि स्थानीय नेता को बनाओ, कोई राजनीति वाला को मत बनाओ और जो पैसा हड़पने वाले को मत बनाओ, अगर राजनीति वाले के नेता बनाओगे ना स्थानीय तो आपको बेच देगा, ये हमारा है। और हमारे अभी भी किसी को भी आप लोग पूछ सकते हैं मेरे विषय में तो हमारे में जो गुण या अवगुण है आपको क्लियर बताएंगे अभी भी क्षेत्र में कि सोमा मुंडा कैसा है और क्यों इतना हम इतना डील किए। और यहाँ तक कि मेधा पाटेकर हमारे पास आई तो मेधा पाटेकर का तो यही थोड़ा गलती था, सबसे पहले उनको पहले जगह दे दिए और वो लोग वहाँ अड्डा जमा दिए, उनको हटाना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन हम सबसे पहले उसको जमाने नहीं दिए तो पहले हम रोक दिया। और मेधा जी को बोले तो आपको तो गलती है क्योंकि आप जगह दे दिए पहले तो काम शुरू हो गया, उनका शक्ति बढ़ गया तो उल्टा आपके ऊपर गोली चलेगा, इस तरह से हुआ। मेधा पाटेकर के साथ भी हम बहुत गए हैं वहाँ जमशेदपुर गए हैं, इधर दिल्ली में भी आए हैं उनके साथ भी हमारा कनेक्शन है। लेकिन मैंने कि वहाँ अगर नेता होगा ना स्थानीय होना चाहिए नेता, हाँ लेकिन उसके ऊपर ये विश्वास होना चाहिए धोखा नहीं देगा। अगर बाहर का आदमी नेतागिरी करेगा ना आपको धोखा दे करके भाग जाएगा, अगर हम वहाँ पर धोखा करेंगे तो पब्लिक आपको वहीं मार देगा, वो भी देखना पड़ता है हमारे तरफ से। धन्यवाद।